नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कोटा में फंसे छात्रों को लेकर बिहार में इन दिनों सियासत काफी तेज है। लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच में बहस शुरू हो जाती है इस मामले को लेकर। लेकिन कोटा में छात्रों की हालत क्या है, ये वीडियो आप देखिए। देखिए किस तरीके से छात्र जो हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। कल देर रात सब ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया था और इसको लेकर अब उन पर कार्रवाई भी हो गई है, उन पर FIR भी हो गई है। लेकिन ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। तो अपने सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं बचा है रेंट देने के लिए, और मकान मालिक बार बार परेशान करता है, खाना खाने के लिए खाना बहुत खराब मिल रहा है हम लोग को। तो यही चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हम लोग को ले जाने के लिए कोई उपाय करे। यहाँ बहुत परेशान हो चुके हैं, टेंशन में कुछ हो नहीं रहा है। जितना एक साल पढ़े थे और सब एक महीना में गवा चुके हैं हम लोग। तो सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। बिहारी को हमेशा आइसोलेट कर दिया गया है। हम लोग को बिहारी होने पर शर्मिंदा महसूस हो रहा है। आजकल लोग देखते हैं बिहारी है, इन लोग का आगे पीछे कोई है नहीं। यहाँ के लोग ये बात कर रहे हैं, हम लोग को खुद बहुत शर्म आ रहा है हम लोग के सरकार पर। हम चाहते हैं तेजस्वी यादव से, हमारे अपोजिशन से, कि सरकार पर दबाव बनाए। सरकार से चाहते हैं हम लोग के लिए कुछ किया जाए। हम लोग बहुत मेंटली परेशान हैं। तो आपने देखा, कोटा में फंसे छात्र यहाँ तक कहने पर मजबूर है कि हमें शर्म आती है कि हम बिहारी हैं, क्योंकि तमाम अन्य राज्यों के जो सरकारें हैं उन्होंने अपने अपने छात्रों को वापस बुला लिया, लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष के नेता को भी कहा है कि विपक्ष इस मामले को जल्द से जल्द उठाए, सरकार पर प्रेशर बनाए। आप बन रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। जो भी नए अपडेट्स आएंगे उन तमाम अपडेट्स को आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।